दोस्तों आज मैं सुबह सुबह मोबाइल को चेक कर रहा था, तभी मुझे इंटरनेट पर एक वीडियो दिखाया जिसमें छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा था। और तभी मुझे याद आया, अरे भाई आज तो मकर संक्रांति है तो छोटू के लिए मैंने एक पतंग बनाने का सोचा। हम फटाफट से अपने नोट कॉपी को निकाले और उसका बीच पन्ना को फाड़े और अब हम देसी तरीके से छोटू के लिए एक पतंग बनाने वाले हैं। उसका कागज के पन्ने को कुछ इस तरह से फोल्ड करने लगे और कागज के पन्ने को कुछ इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके कैंची से काट दिए और कागज के पन्ने को काटने के बाद फोल्ड को कुछ इस तरह से खोलने लगे और उसके बाद कागज के पन्ने को फोल्ड के खोलने के बाद कुछ इस तरह से कागज के पन्ने दिखने लगते हैं। अब दो नारियल का झाड़ू का सिक्के को कुछ इस तरह से लिए और झाड़ू के सिक्के को कुछ इस तरह से सेलेक्टिव से चिपकाने लगे। अब बीच में चिपकाने के बाद अब साइड की बारी आती है, तो यहाँ पर झाड़ू का सिक्के को लगाने से पहले सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्टिव चिपकाना पड़ेगा। तो फटाफट जल्दी से दोनों साइड सेलेक्टिव चिपका लिए, उसके बाद झाड़ू का सिक्के को कुछ इस तरह से लगा लेते हैं और उसके बाद नारियल के झाड़ू को सिक्के के कुछ इस तरह से फोल्ड करके सेलेक्टिव से चिपका दिए और अब मेरा कुछ इस तरह का पतंग बनकर तैयार हो गया। तो हम जल्दी से पतंगा पूछ को लगाते हैं, हम पतंगा पूछ को पहले स्केचेस काट के बना के रखे थे कुछ इस तरह से और अब पतंगा डोरे को कुछ इस तरह से बांध लिया। अब मेरा पतंग बनकर तैयार है, लेकिन अब बारी इस पतंग को उड़ाने की, मुझे तो नहीं पता कि ये पतंग उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तो इसे देखने से पहले प्लीज आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जाकर अपना प्यारा नाम जरूर बताना। दोस्तों हम पतंग को लेकर छत में आ गए, लेकिन पतंग तो भाई बहुत अच्छा उड़ रहा है, पतंग इतना अच्छा उड़ता देख छोटू भी बहुत खुश हो गया और मेरा आइडिया भी काम कर गया।